हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गाइस आप किस तरीके से एक 3D शोल्डर बिल्ड कर सकते हो एक एस्थेटिक बॉडी के लिए। गाइस 3D शोल्डर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और गाइस उसे आप किस तरीके से बिल्ड कर सकते हो। तो गाइस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि ओवर ट्रेन। तो गाइस ओवर ट्रेन आपको नहीं करना है, जैसे चेस्ट के जस्ट बाद आपको शोल्डर नहीं लगाना है और चेस्ट और शोल्डर एक साथ में नहीं लगाना है, जिससे कि वो ओवर ट्रेन हो चुके होते हैं। जैसे चेस्ट अपना अपर बॉडी के लिए और शोल्डर भी अपर बॉडी के लिए। और गाइस जो आप इंक्लाइन बेंच प्रेस लगाते हो तो गाइस उसमें अपना जो शोल्डर रहता है, तो गाइस शोल्डर ऑलरेडी ट्रेन हो चुका रहता है। जो भी शोल्डर का फ्रंट डेल्ट रहता है वो ऑलरेडी ट्रेन हो चुका रहता है। तो गाइस आपको चेस्ट को और शोल्डर को एक ही दिन में ट्रेन नहीं करना है, आप चेस्ट को अलग दिन ट्रेन करो और शोल्डर को अलग दिन ट्रेन करो। तो गाइस मैंने 6 से 7 मंथ में किस तरीके का वर्कआउट स्प्लिट फॉलो किया है और मैं किस तरीके से ट्रेन करता हूँ, और जिससे कि मुझे एक एस्थेटिक शोल्डर बिल्ड करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिली है। तो गाइस मैं कुछ बातों का ध्यान रखता हूँ, जैसे कि मैं डिफरेंट मसल को ट्रेन करता हूँ। जैसे अपना लेग रहता है वो एक अलग मसल है और एक शोल्डर है वो अलग मसल है। तो गाइस ये दोनों ही एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। तो गाइस मैं दोनों को सेम डे ट्रेन करता हूँ। जो लेटरल रेजेस और बैक डेल्ट के लिए रहता है गाइस वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और गाइस आपको एक 3D शोल्डर बिल्ड करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो गाइस ये दोनों जो भी मसल पार्ट है, तो गाइस उसे बहुत अच्छी तरीके से ट्रेन कर लिया जाना चाहिए और बहुत अच्छा ट्रेन करना चाहिए, जैसे कि ओवरऑल अपना शोल्डर है वो 3D लुक मिल पाए। तो गाइस इसके लिए आप लेटरल लेजेस कर सकते हो, जो कि थोड़ा बेंड होके 45 डिग्री एंगल पे अपना हैंड को रेस करके गाइस कुछ इस तरीके से लेटरल लेजेस लगा सकते हो। और जो बैक डेड का रहता है, तो गाइस उसे आप ट्रेन करो, वो भी बहुत अच्छा मसल है और गाइस उसे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो ओवरऑल 3D शोल्डर बिल्ड करते हो उसमें। तो गाइस वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो गाइस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे वीडियो पाने के लिए। गाइस कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं आपका जो भी क्वेरीज रहे और जो भी क्वेश्चन रहे रिगार्डिंग आपका बॉडी फेट या किसी भी बॉडी रिलेटेड इशू के लिए। तो गाइस कमेंट में आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।